रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दानिश एग्रीकल्चर में खुश आमदीद। तिल और तिली के रेट में ज़बरदस्त इजाफा हो चुका है। खादें किसानों को किस रेट पर मिल रही हैं तफसीलन आपको बताते हैं। तो जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन पर लाजम क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। सबसे पहले अगर बात की जाए खादों की, तो इस वक्त जो DAP का रेट है 13,500 रुपये, नाइट्रोफास खाद का जो रेट है 7,200 रुपए, और जो यूरिया खाद का रेट है 4,200 रुपए में मियां चन्नू के अंदर फरोख्त हो रही है। अब बात करते हैं जी तिल और तिली की। तो मंडी के अंदर डेली की बुनियाद के ऊपर तिल और तिली आ रहे हैं। आज ये आप देख सकते हैं कि इस तरह के जो हल्के तिल और तिली हैं तकरीबन 14,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए, 10,000-12,000 रुपए में भी इससे जो हल्के हैं बारिश वाले हैं वो फरोख्त हो रहे हैं। लेकिन जो इस तरह के हैं 14-15,000 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। बाकी जो अच्छे सफ़ेद कलर के तिल और तिली हैं मियां चन्नू गल्ला मंडी के अंदर आज 21,000 रुपए में फरोख्त हुए हैं। टॉप रेट आज तिल और तिली का जो है वो 21,000 रुपये तक रहा है। उकाड़ा गल्ला मंडी के अंदर कल जो था 21,500 था, आज जो है 21,600 रुपये में फरोख्त हो रहे हैं। लेकिन मियां चन्नू गल्ला मंडी के अंदर आज टॉप रेट जो है वो 21,000 है। तो किसान भाइयों से पहली वीडियो में भी मैंने गुजारिश किया कि जब भी आप जिन मंडी के अंदर लेकर आए तो इस तरह की ना हो। ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितना कचरा है। आपने मेहनत की होती है तो जब रेट इसका अच्छा नहीं लगता तो बहुत दुख होता है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि मकई का रेट कल जो था पानी जैसी मकई मंडी के अंदर आ रही है 600 रुपये 800 रुपये मकई का रेट लग रहा है। ये कोई रेट नहीं है, बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है फसल के ऊपर, बहुत मेहनत की है। तो खुदारा जब भी जींस लेकर आएँ तो मंडी के अंदर खुशक कर साफ़ सुथरी कर लेकर आएँ ताकि जो रेट है वो बेहतर लग सके। इंशाल्लाह नई अपडेट के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।